माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम इन SVPS ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। यस्टरडे इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। टुडे आई विल टीच यू रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 4th and 5, 6। 3 पार्ट है रिमेनिंग, इसके बाद इलिमिनेटिंग मेथड। तो 10th क्लास स्टूडेंट, रीड योर क्वेश्चन 3, 4th पार्ट। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर पर किलोमीटर। तो लेट फिक्स्ड चार्ज रुपया एक्स, चार्ज पर किलोमीटर रुपया वाई। टैक्सी का चार्ज फिक्स है, फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डिस्टेंस पर है। पर किलोमीटर चार्ज है वाई रुपया। फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर कंसिस्ट फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पर रुपया 105। 10 किलोमीटर का चार्ज है 105 रुपीज। तो फिक्स चार्ज को एक्स रुपए देना ही देना पड़ेगा। पर किलोमीटर 2 रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 by 2 = 105 रुपए। इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग कंडीशन सेकेंड, ये जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पैड रुपया 155। तो 15 किलोमीटर फिक्स चार्ज एक्स रुपए पैड करना ही पड़ेगा। 15 by तो कल्टूगा रुपया 155। इक्वेशन टू। अब ये कह रहा है व्हाट आर फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वाई सबस्टी दूसरे मेथड सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10 y। इसको थर्ड डाल देंगे, यहां पर y की वैल्यू रखेंगे तो एक्स निकलेगा। अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू। सबस्टिट्यूशन मेथड का रूल मैंने बताया है कि पहले इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल एक्स और y की वैल्यू फाइंड करके उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। अब एक्स की वैल्यू फर्स्ट से फाइंड की सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ पर कितना पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 105 माइनस 10 y और प्लस 15 y इक्वल टू 155। 15 y माइनस 10 y प्लस का 5 y, 155 माइनस 105। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 y इक्वल टू कितना बचेगा, 50। 50 y इक्वल टू 50 upon 5, 5 = 5, 10। अब y की वैल्यू कहां रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। फर्स्ट में भी रख सकते हैं आप, सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं, थर्ड में भी पुट कर सकते हैं। तो थर्ड में जब पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 10। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 करेगा 100, x इक्वल टू 5। x क्या था, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स्ड चार्ज रुपया 5, चार्ज पर किलोमीटर 5 वैल्यू रुपया 10। अब ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो यहां पर लिखेंगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू एक्स प्लस 25 y। फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू 10। तो 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 चार्ज फॉर 25 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9 upon 11। फिफ्थ पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9 upon 11 कब हो जाती है, इफ टू इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फिफ्थ पार्ट के लिए लाइट
फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई आर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दिस इज वैल्यू कॉल्ड न्यूमरेटर, दिस इज वैल्यू कॉल्ड डिनोमिनेटर। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 बिकम्स हो जाती है इफ यदि 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 एड करने से x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू 9 अपॉन 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 11x प्लस 22 9y प्लस 9 टू 18, इधर लाइए y को इक्वल टू 18 माइनस 22 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 इक्वल 5। अब अकॉर्डिंग कंडीशन सेकेंड, इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, जब 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एड कर दिया तो ये कितनी हो जाती है 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3। 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर दीजिए और फाइंड करने के बाद उस एक्स वाई वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, फ्रैक्शन आ जाएगी। तो भाई सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9 बाई माइनस 4 अपॉन 11, इसको थर्ड डाल देंगे। अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, तो सिक्स एक्स की वैल्यू क्या है 9 बाई माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5 बाई इक्वल टू माइनस 3, 11 से नहीं कट रही है, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 माइनस 11 5 जा 55 बाई इक्वल टू माइनस 11 3 जा 33। ये देखिए 54 55 माइनस का बाई माइनस 33 प्लस 24 माइनस बाई इक्वल टू कितना बचेगा प्लस का है सॉरी माइनस का 9, तो माइनस माइनस कैंसिल बाई इक्वल टू 9। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट y की वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे तो x इक्वल टू 9 इंटू y की वैल्यू 9 माइनस 4 अपॉन 11 81 माइनस 4 अपॉन 11 कितना आ जाएगा 77 अपॉन 11 इक्वल टू 7 11, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन इक्वल टू है आपकी x अपॉन y इक्वल टू 7 अपॉन x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 9, दिस इज योर आंसर। इस तरह से ये बर्ड प्रॉब्लम आपकी लगाई जाती है, इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 6, तो 6 पार्ट आपका होमवर्क के लिए है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। और कंप्लीट एक्सरसाइज कौन सी चल रही है 3.3। नेक्स्ट वीडियो में आई टीच यू इलिमिनेशन मेथड, कौन सी मेथड पढ़ाई जाएगी आपको, इलिमिनेटिंग मेथड। थैंक यू।